एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। जैसे कि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, तो आज मैं लेके आई हूँ इज मैटर अराउंड अस प्योर के एनसीईआरटी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद इसके एमसीक्यूज भी लेके आऊंगी। तो अभी शुरू करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस। होमोजीनियस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए होमोजीनियस क्या होता है एंड हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है वन, ठीक है। होमो का मतलब होता है वन, मतलब एक इस तरीके से कोई चीज का घुल मिल जाना कि वो हमें ऐसा लगे कि टोटली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। वो हमें क्या लगे कि टोटली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे हम स्कूल में बात करते हैं ना कि हमारे स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है, सभी बच्चों ने सेम ही यूनिफॉर्म डाली होती है। तो अगर हम शुगर को पानी में मिक्स कर देते हैं तो यूनिफॉर्मली शुगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे के पूरे पानी में। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजीनियस होता है जैसे हम सॉइल को डाल रहे हैं पानी के बीच में, वहां पे वो टोटली मिक्स नहीं होगी, नीचे सेटल डाउन भी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है कि ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर हम मिल्क को डालते हैं पानी के बीच में, वो दिखने में ऐसा लगता है, विच इज अ कोलाइड, जो क्या है, कोलाइड है, जो दिखने में ऐसा लगेगा कि ये होमोजीनियस है, टोटली मिक्स तो हो चुका है। लगना अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इसलिए कोलाइड्स को बोला जाता है, दे अपीयर टू बी होमोजीनियस, अपीयर करते हैं कि दिखने के रंग और दिखाने के रंग और करने के रंग और, ठीक है। दिखने में क्या लगते हैं कि होमोजीनियस है, बट एक्चुअल में होते क्या है, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। ओके, कोलाइड्स के बारे में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलाइड्स अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अभी आपको दो टर्म्स क्लियर हो चुकी हैं, होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है। क्वेश्चन क्या है, सी वाटर, सी वाटर जो पानी, जो अपना सी का पानी होता है, जो नमकीन होता है, ठीक है। सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सी वाटर को होमोजीनियस भी बोला जाता है, हेट्रोजीनियस भी बोला जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि हम सेम टाइम पे बोल रहे हैं कि वो होमोजीनियस भी है, सेम टाइम पे बोल रहे हैं कि वो हेट्रोजीनियस भी है, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। रीजन ये नहीं है कि ये कोलाइड है, दिस इज नॉट द राइट रीजन, ठीक है। ये कोलाइड नहीं है, इस वजह से इसे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस नहीं बोला जाता। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लिखाएंगे कि अरे कोलाइड को ऐसा कुछ होता था कि उसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी बोल दिया जाता था, दैट इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स। वो क्या है, बहुत सारे सॉल्ट्स एंड पानी का मिक्सचर है, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड एक्सेप्ट बाय इवेपोरेशन, जिसको आप इवेपोरेशन से सेपरेट करके रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को भी बाहर निकालते हो। देयरफॉर सी वाटर इज कंसिडर्ड एज होमोजीनियस, इसीलिए उसको क्या कंसिडर किया जाता है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब इतना यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है कि उसको सिंपल मेथड से सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, इवेपोरेशन करके उसको सेपरेट आउट किया जा सकता है। देन कहता है सी वाटर में मड भी होता है, मिट्टी, डिकेड प्लांट्स, ये सारे गंदमंद चीजें भी होती हैं जो क्या करती हैं, अदर देन सॉल्ट्स एंड वाटर, सो इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दो पर्सपेक्टिव हैं इस चीज को देखने के। अगर आप देखते हो कि पानी के बीच में सॉल्ट्स मिक्स हैं जो टोटली होमोजीनियसली थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये होमोजीनियस है। पर उसको हेट्रोजीनियस किस पर्सपेक्टिव से बोला जाता है, कि उसके बीच में बहुत सारा मिट्टी, डिकेड प्लांट्स, ये सारी चीजें भी होती हैं, तो इस वजह से उसे हेट्रोजीनियस भी बोला जाता है। दैट्स वाई सी वाटर इज क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपको, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन,
सस्पेंशन एंड कोलाइड के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसका मैंने आपको पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इज मैटर अराउंड अस प्योर का पहला क्वेश्चन ही था, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड। आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्राइब एनी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, तीन प्रॉपर्टीज आपने कोलाइड्स की बतानी है। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आप इसको कैसे लिखोगे, इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अपीयर दिखने में क्या लगता है कि ये होमोजीनियस है बट एक्चुअल में क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ पार्टिकल्स इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई, इसके जो पार्टिकल साइज है वो इतना छोटा होता है कि हम उसको नेकेड आई से देख नहीं सकते। ठीक है, जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत कम होता है, जैसे सस्पेंशन है, सस्पेंशन है उसमें पार्टिकल साइज क्या होता है, बड़ा होता है। देन हमारे पास आते हैं कोलाइड, देन उसके बाद आता है ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से होता है पार्टिकल साइज। नेक्स्ट इज दे स्कैटर लाइट पासिंग थ्रू देम मेकिंग इट्स पाथ विजिबल। अगर आपके पास एक पानी है उसके बीच में आपने मिल्क या डिटॉल को मिक्स कर दिया तो वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स का अलग से एक इंपॉर्टेंस है, आपके अभी नाइन्थ क्लास में कितने टाइप्स ऑफ कोलाइड्स होते हैं, इमल्शन क्या होती है, फोम क्या होती है, एरोसॉल क्या होता है, तो ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है। तो अभी एक टाइप ऑफ कोलाइड ले लेते हैं जिसमें आपने लिक्विड के बीच में लिक्विड ही डाला है, दैट इज आपने पानी के बीच में मिल्क या डिटॉल डाल दिया, वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। उसमें से आप बीम ऑफ लाइट को पास करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा पार्टिकल है, यू हैव दिस पार्टिकल, तो जो यहाँ पे बीम ऑफ लाइट आ जाएगी वो क्या करेगी, स्कैटर कर जाएगी। कोई भी चीज टूटती कब है, जब आगे उसको, अगर आगे कोई छोटी सी चीज पड़ी हो तो आप उसके टकरा के गिर तो नहीं जाओगे, अगर बहुत ही बड़ा कोई पत्थर लगा हो तो आप उससे टकरा के गिर सकते हो। वैसे ही क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो चुका है एज कंपेयर्ड टू ट्रू सॉल्यूशन, इस वजह से ये क्या करेगी, लाइट को स्कैटर कर देगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ओके, उसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट इज दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर आप इस चीज में क्या करो, देखो लेफ्ट अनडिस्टर्ब का क्या मतलब है, अगर आपने पानी के बीच में शुगर डाली है उसको कुछ टाइम के लिए रख दो, आपने पानी के बीच में मिल्क डाला है उसको कुछ टाइम के लिए रख दो, आपने पानी के बीच में सॉयल डाली है उसको कुछ टाइम के लिए रख दो, तो इसमें क्या होगा, ना शुगर वाला सेटल डाउन होगा ना ही मिल्क वाला नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा, सॉइल वाला नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा। सस्पेंशन में सेटल डाउन हो जाती है जब चीजों को कुछ टाइम के लिए रख देते हो, मिल्क में, कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता, पार्टिकल्स इतने भी बड़े नहीं होते कि वो नीचे आके सेटल डाउन ही हो जाए। ओके, सस्पेंशन में तो साइज और इंक्रीज हो जाता है तो सेटल डाउन हो जाते हैं। सो दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अगर उनको कुछ टाइम के लिए रख दो सेटल डाउन नहीं होंगे। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, आप इसको फिल्ट्रेशन, अगर आपने पानी के बीच में दूध मिक्स कर दिया क्या आप उसको सेपरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, पानी के बीच में सॉइल डिपॉजिट कर दो तो सेपरेट कर सकते हो ना, चाहे गंदा मंदा पानी बाहर निकले लेकिन सेपरेट तो कर सकते हो ना आप। ठीक है, फिल्टर क्या है, चाप होने की बात करें, टी एंड फिल्टर जो हम यूज करते हैं, ठीक है, पत्ती को साइड पे रखने के लिए, तो उसमें से पत्ती को तो हम साइड पे कर देते हैं, बट क्या हम इसमें मिल्क को सेपरेट कर सकते हैं पानी से, नहीं कर सकते। तो दैट इज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, के प्रोसेस से इस चीज को सेपरेट नहीं करा जा सकता। ओके, सो दीज आर दी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोलाइडल। ऐसे ही आपको ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, लेकिन अगर तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज कोलाइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज On heating, calcium carbonates get converted into calcium oxide and calcium dioxide. Okay, sorry, carbon dioxide. आपके पास calcium carbonate है, इसमें क्या बनेगा, इसको अगर आप heat करोगे decompose हो जाएगा, ये calcium oxide and calcium carbon dioxide में convert हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से carbon dioxide निकल गई, CO reaction is balanced. ठीक है, ये चीज बन गई, इस reaction की बात कर रहा है। Is this a physical और अ केमिकल चेंज, क्या ये फिजिकल चेंज है या एक केमिकल चेंज है,
फिजिकल चेंज क्या होता है जिसमें स्टेट बदले, जिसमें वो चीज सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट हो जाए या डिजोल्व हो जाए, जैसे पानी के बीच में चीनी डिजोल्व हो जाती है, तो वो फिजिकल चेंज है। उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, ऐसा नहीं है दो चीजों ने रिएक्ट करा और साथ में एक नया ही प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा नहीं होता फिजिकल चेंज में। केमिकल चेंज में प्रोडक्ट बनता है, वो पहले वाली चीज का वजूद खत्म हो जाता है, कोई नई चीजें, कोई नए कंपाउंड्स आपके पास निकल के आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट, ये क्या है आपका एक केमिकल चेंज है, ठीक है, ये फिजिकल चेंज नहीं है। ओके, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसके रिलेटेड। नेक्स्ट इज, कैन यू प्रिपेयर वन एसिडिक वन बेसिक सोल्यूशन बाई यूजिंग द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द अबव प्रोसेस। अगर क्या आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है आपके पास बने प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या है आपके पास बने प्रोडक्ट्स हैं। अभी वो पूछ रहा है क्या आप इसमें से एक एसिडिक क्या बना सकते हो, एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो आप इसमें से एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। बच्चा ये देखो, अभी ये बात आपको समझनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कैल्शियम क्या है आपका, मेटल है, कैल्शियम क्या है, मेटल है, एंड कार्बन क्या है, कार्बन क्या है आपके पास, नॉन मेटल है, ठीक है। कैल्शियम क्या है, मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं या मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, एल्केलाइन इन नेचर, वो क्या होते हैं, एल्केलाइन, दैट इज बेसिक इन नेचर। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, ये क्या होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करते हो आपके पास क्या बन जाएगा, ठीक है, आपके पास कैल्शियम स्लेक्ड लाइम COH2 बन जाएगी, ये क्या होती है आपकी, बेसिक होती है नेचर में, ठीक है, ये क्या होती है, बेसिक होती है, एल्केलाइन होती है। कार्बन की जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो वही चीज को आपने इसमें आंसर करना है, ये रिएक्शन होगा, ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसमें CaO क्या बनाएगा, एल्केलाइन बेसिक सोल्यूशन, और ये क्या बनाएगा, एसिडिक सोल्यूशन, बिकॉज दिस इज अ मेटल एंड दिस इज अ नॉन मेटल, कैल्शियम इज अ मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल। ओके, सो दिस इज द आंसर, राइट। तो इसका आंसर देख लेते हैं बेटा, इसका आंसर देख लेते हैं इसी चीज में। ओके, सो दिस इज द आंसर, देखो आपके पास क्या बना है, आपका रिएक्शन क्या हुआ, ये रिएक्शन मैं यहां पे लिख देती हूं, ठीक है। रिएक्शन क्या बना था आपका, ये दो चीजें आपके पास बनी थी, उसके बाद आपने पहले बता दिया कि केमिकल चेंज है, देन इस चीज को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो है कैल्शियम क्या है, आपने इसमें ये भी एक्सप्लेन करना है, कैल्शियम क्या है, एक मेटल है, एंड कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल है। तो कैल्शियम की जो हाइड्रोक्साइड होगी वो बेसिक होगी, और जो नॉन मेटल की हाइड्रोक्साइड बनेगी दैट विल बी एसिडिक नेचर, ये क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड, ये क्या होता है हमारे पास, कार्बोनिक एसिड बना है, और यहाँ पे ये क्या बना है आपके पास, स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज अ गुड बेस, जो बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज कार्बोनिक एसिड। सो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में उसे लिखें ताकि मैं आपका आंसर दे पाऊँ, आपको कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, नॉन मेटल्स आर यूजुअली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा वो यूजुअली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड ये नॉन लस्ट्रस भी होते हैं, नॉन सोनरस भी होते हैं, नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल, एंड आर कलर्ड, ठीक है, इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, जैसे मेटल्स में सिल्वर ग्रेइश ही होते हैं, गोल्ड ही होता है जो एक येलो कलर का देता है, एंड कॉपर आपका रेडिश ब्राउन कलर देता है, रेस्ट ऑफ द मेटल्स आर सिल्वरिश ग्रेइश, इस तरह के होते हैं। तो यहां पे वो बोल रहे हैं नॉन मेटल्स की यूजुअली ये प्रॉपर्टीज होती हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस एंड दीज एक्सेप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो साथ साथ में आप भी इसको आंसर करोगे, साथ साथ में आप भी इसको आंसर करोगे। नेम द लस्ट्रस नॉन मेटल, लस्ट्रस नॉन मेटल कौन सा है, नेम द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये तो सभी बच्चे ही इसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट इज, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ नॉन मेटल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन में ग्रेफाइट आएगा, ग्रेफाइट आएगा, डायमंड आएगा,
डायमंड आएगा, तो इन दोनों में आपने बताना है विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज नेम अ नॉन मेटल नोन टू फॉर्म लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स. एक ऐसा नॉन मेटल जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, इसके बेसिस पे हमने चैप्टर भी करना है क्लास 10th में. ओके, पूरा का पूरा चैप्टर उस बेसिस पे, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना देता है. नेम अ नॉन मेटल अदर देन कार्बन विच शोज एलोट्रॉपी. कार्बन के बिल्कुल नीचे ही है पीरियोडिक टेबल में. नेक्स्ट इज नेम अ नॉन मेटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन. कंबशन के लिए कैसा नॉन मेटल जो रिक्वायर्ड होता है. तो इन सभी के आंसर्स क्या है बेटा, पहले अभी तक मेरे ख्याल से तो अभी तक सारे बच्चे आंसर्स भी दे चुके होंगे, तो अभी इसको चेक कर लेते हैं आपने सही आंसर दिया या गलत दिया. फर्स्ट इज नेम अ लस्ट्रस नॉन मेटल. एक लस्ट्रस नॉन मेटल, एक मिनट, एक लस्ट्रस नॉन मेटल दैट इज आयोडीन. कौन सा है आयोडीन? ओके, सो लस्ट्रस नॉन मेटल कौन सा है? आयोडीन. इट इज द लस्ट्रस नॉन मेटल. बाकी सारे नॉन मेटल्स लस्टर नहीं होते, शाइन नहीं शो करते. आयोडीन इज द ओनली लस्ट्रस नॉन मेटल. देन देयर इज नेम अ नॉन मेटल्स विच एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, नॉन मेटल्स में सॉलिड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं, लिक्विड भी होता है. ठीक है, लिक्विड में कौन सा होता है? ब्रोमीन. मेटल कौन सा लिक्विड होता है? मर्करी. ठीक है, नेक्स्ट इज एलोट्रॉपिक फॉर्म of non-metal is a good conductor of electricity. Good conductor of electricity. देखो ये क्या होता है हमारा? ग्रेफाइट होता है, वो एक allotropic form है कार्बन की. लेकिन what is the reason behind that? Because it has free electrons. क्या होते हैं इसके पास? Free electrons होते हैं. अगर हम इसकी structure को जब 10th class में पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे इसके पास free electrons होते हैं. Okay? Next is a non-metal which is known to form large नंबर ऑफ कंपाउंड. लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कौन बनाता है? कार्बन इज दैट नॉन मेटल जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है. इसको अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा बोली जाती है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से एक सब्जेक्ट बना दिया गया जिसको हम स्टडी करते हैं. ठीक है, अलग से एक ब्रांच बन गई बिकॉज ऑफ कार्बन बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ कंपाउंड बनाता है. नेम अ नॉन मेटल अदर देन कार्बन विच शोज एलोट्रॉपी. अदर देन कार्बन कौन सा शो करता है एलोट्रॉपी? दैट इज सिलिकॉन. ठीक है, दैट इज सिलिकॉन. नेक्स्ट इज नेम अ नॉन मेटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर, एक मिनट, इसमें सिलिकॉन नहीं है, दिस इज सल्फर. एक मिनट, सिलिकॉन इज फॉर अनदर थिंग. सिलिकॉन इज फॉर अनदर थिंग. ये क्या करता है? जैसे एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, कि बहुत सारे और कार्बन एटम्स, मतलब अपने ही, जैसे ये कार्बन है तो बहुत सारे और कार्बन एटम्स के साथ जुड़ जाना, कैटिनेशन इसे बोलते हैं, आप बाहर क्लासेस में पढ़ोगे. तो वो सेम प्रॉपर्टी सिलिकॉन शो करता है, बट एलोट्रॉपी की प्रॉपर्टी कौन शो करता है हमारे पास? दैट इज द सल्फर इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट इज अ नॉन मेटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन. कंबशन के लिए कौन सा नॉन मेटल रिक्वायर्ड होता है? कंबशन के लिए क्या करते हैं? कार्बन प्लस हमें क्या चाहिए होता है? एयर से हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है. सो ऑक्सीजन इज दैट नॉन मेटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन. ठीक है, तो ये रहे आपके आंसर्स, ये आपको दिख जाएंगे. तो मैं इस चीज को इरेज कर देती हूँ. दीज आर योर आंसर्स. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है, ये बहुत आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में भी पूछी जा सकती है, एज इट इज भी पूछी जा सकती है. हाई चांसेस के आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछी जा सकती है. ओके, नेक्स्ट इज क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल चेंज. में आपको इस सबको बताना है. फर्स्ट इज ड्राइंग ऑफ शर्ट इन द सन. ठीक है, ड्राइंग ऑफ शर्ट इन द सन, इवेपोरेशन हो रही है. इवेपोरेशन में क्या होता है? एक चीज लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रही है, उसकी फिजिकल स्टेट बदल रही है. सो इट इज अ फिजिकल चेंज. ये क्या होगा? एक फिजिकल चेंज होगा. ये क्या होगा? एक फिजिकल चेंज होगा. रेस्ट सेकेंड आता है राइजिंग ऑफ हॉट एयर ओवर अ रेडिएटर. हॉट एयर का राइज होना, तो इसमें क्या हो रहा है बेटा? इसमें क्या हो रहा है? लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में वो चीज कन्वर्ट हो रही है. बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज हॉट एयर की वजह से कोई चीज वेपराइज हो रही है. ठीक है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है. तो ये अगेन क्या है? एक फिजिकल चेंज है. बर्निंग ऑफ केरोसिन इन अ लैंटर्न, तो इसका क्या मतलब है? इट इज अ केमिकल चेंज. तो यहाँ पे बेटा बर्न हो रही है. क्या हो रही है? केरोसिन आपकी बर्न हो रही है. ठीक है, बर्न होने का क्या मतलब है? कि कंबशन हो रही है. कंबशन हमने देखा, कंबशन में क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ
ऑक्सीजन एंड हीट की वजह से चीज रिएक्ट करती है और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है कंबशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द केमिकल चेन, जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तब हम बोलते हैं कि ये केमिकल चेंज है। जब आपको लगे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, चीज डिजोल्व हो रही है या हमने फिजिकल स्टेट को बदल रही है, वो क्या होगा, फिजिकल प्रोसेस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। नेक्स्ट इज चेंज इन द कलर ऑफ ब्लैक टी ऑन एडिंग लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस आपने उसके बीच में एड करा, उसका कलर ही बदल गया, तो ये भी क्या होगा आपका, केमिकल चेंज होगा, बिकॉज देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड, किसके बीच में रिएक्शन हुआ आपका, सिट्रिक एसिड इन द लेमन एंड द कंपाउंड्स ऑफ टी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। तो सिट्रिक एसिड है लेमन के बीच में, वो किसके साथ करेगा रिएक्ट, जो टी के बीच में कंपाउंड्स होंगे और आपका वो कलर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज शर्निंग ऑफ मिल्क क्रीम टू गेट बटर, जब मिल्क क्रीम आपका, तो आप देखो मक्खन निकालते हैं घरों में, ठीक है, आप आजकल तो मिक्सी को यूज करते हैं, ठीक है, तो पुराने जमाने में उसको पंजाबी में घोटना आई थिंक ऐसा कुछ बोलते थे, तो वहां पे क्या करते हैं, मक्खन जब निकालते हैं हम उसके फिजिकल स्टेट को बदल रहे हैं, ठीक है, उसके फिजिकल स्टेट को बदल रहे हैं, उसमें कोई और केमिकल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, सो दिस इज अ फिजिकल चेंज, बिकॉज क्रीम सस्पेंडेड इन अ मिल्क इज सेपरेटेड बाय चर्निंग। तो आप पे आप कर क्या रहे हो, फिजिकल स्टेट उसकी बदल रहे हो, ठीक है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, ओके। सो दीज आर द थिंग्स, ये रहे आपके एक तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें दो तीन टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले तो सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल, इन तीनों की प्रॉपर्टीज, इन तीनों का डिफरेंस, जनरल इफेक्ट, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपको टाइप्स ऑफ कोलाइड्स के बारे में पता होना चाहिए, ओके। इज वॉटर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, क्या पानी एक एलिमेंट है या एक कंपाउंड है। वॉटर क्या होता है, दैट इज H2O, वॉटर क्या होता है, दैट इज H2O, H2O को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारे पास, वॉटर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब हम एलिमेंट की बात करते हैं, जब हम एलिमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं ओनली वन टाइप ऑफ एटम, सिर्फ इसमें एक तरह का एटम होना चाहिए। कंपाउंड्स की बात करते हैं तब हम बोलते हैं कि इसमें मोर देन टू टाइप ऑफ एटम, ठीक है, आपके पास दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ एटम होने चाहिए जो केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए। अगर वो केमिकली बॉन्ड बना नहीं रहे हैं, केमिकली बॉन्डेड होने चाहिए, अगर वो केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, दैट मीन्स वो एक मिक्सचर है। अगर शुगर पानी के साथ डिजोल्व हो रहा है, उसके साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहा, वो सिर्फ मिक्स हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, ठीक है। अगर हम पानी की बात करते हैं, उसमें हाइड्रोजन, ठीक है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है जो आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं। हमारे पास एक तो दो से ज्यादा टाइप ऑफ एटम्स हो गए हैं, फर्स्ट कंडीशन फॉलोड, सेकंड इज केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो चुकी है, सो ये क्या है, एक कंपाउंड है। इसको आपने लिखना कैसे है, इट इज कंपोज ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, कहता है ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स का बना होता है, आप लिख सकते हो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स का बना होता है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड से, जो सेपरेट नहीं हो सकता। इसको और बेटर तरीके से लिखने के लिए आप लिख सकते हो विच इज केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर, ठीक है, वो क्या है, आपस में केमिकली बॉन्डेड है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जो इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इंटायरली क्या होती है, डिफरेंट होती है फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ओके, ठीक है। जो हमारे पास हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है और इनको मिला के जो H2O बना है, इसकी H2 की प्रॉपर्टीज अलग हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग हैं, उनको मिला के जो चीज बनी है, इसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होती है, इसकी वजह से ये क्या है, एक कंपाउंड है, ओके। तो ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मेन तो आपको वो चीज बतानी है, ओके, मेन आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन
वट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन, आप क्या ऑब्जर्व करोगे व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, अगर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन किसका पोटेशियम क्लोराइड का प्रिपेयर्ड एट 60 डिग्री इज अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर. तो कहता अगर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको किसका पोटेशियम क्लोराइड का मिल जाए एट 60 डिग्री इज अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर, तो इसका क्या मतलब है, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल सेपरेट आउट. तो हमने क्या किया, उस चीज को कूल डाउन करने के लिए रख दिया, कूल डाउन होके क्या हो जाएगा, उसके क्रिस्टल जो है, पहले हमने 60 डिग्री सेल्सियस पे उसको बॉयल कर, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस पे उसको बनाया हुआ था, उसके बाद उसको कूल डाउन, जब आप लैब में जाते हो, आप लैब में काम करते हो, ठीक है, हमने क्रिस्टल्स भी बनाए हुए हैं लैब्स में, तो हम क्या करते थे वहां पे, हमने पहले सारा प्रोसेस किया, प्रोसीजर फॉलो किया, और उसके बाद हम क्या करते थे, आपके पास क्रिस्टल बन गए, क्रिस्टल एज इट इज नहीं निकल के आ जाते थे, क्रिस्टल जस्ट एक अलग फॉर्म में होते थे, लिक्विफाइड फॉर्म में होते थे. उसके बाद आप क्या करोगे, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे वो चीज बनती थी, ठीक है, रिएक्शंस हो रहे थे उस टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, एक दिन के लिए उसको छोड़ के चले जाते थे, या किसी पहले तो हम बाहर ही रख देते थे, दूसरे दिन तक बन जाता था, जैसे आपकी लैब खत्म होती है 4 बजे, आप नेक्स्ट डे आओगे 3-4 बजे देखोगे तो आपके क्रिस्टल्स बने होते थे, क्योंकि आपने उसका टेम्परेचर कम कर दिया, लोअर डाउन कर दिया, तो कहते क्रिस्टल्स उसके निकल के बाहर आ जाते थे, वो अलग से फॉर्मेशन ले लेते थे. सो दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग, कि अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके पास पोटेशियम क्लोराइड का है 60 डिग्री सेल्सियस पे आपने उसको बनाया है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है, उसको आप रूम टेम्परेचर पे कूल करने के लिए रख दोगे तो क्या बन जाएंगे, आपके पास क्रिस्टल्स बन जाएंगे, अगर वो एक क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस है तो. हर चीज में नहीं बनेंगे, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बनते हैं इसलिए वो बनेंगे. An aqueous sugar solution is heated to dryness. अगर आपने एक aqueous sugar solution को heat कर दिया dryness पे तो क्या होगा? Water will evaporate first. पहले क्या होगा? पानी धीरे धीरे evaporate हो जाएगा. पीछे क्या रह जाएगा? Rise up, it would turn black and sugar will get charred. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके पास पीछे क्या रह जाएगी? Sugar रह जाएगी जो black टर्न कर जाएगी. पहले पानी वेपोरेट होगा, फिर शुगर जो उसकी बची होगी वो जल जाएगी एंड वो ब्लैक कलर की हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड स्ट्रॉन्गली. आपने क्या किया, अगर आपने आयरन फिलिंग्स ली एंड सल्फर पाउडर लिया, दोनों को ऐसे मिक्स कर दिया विदाउट हीटिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक मिक्सचर बनेगा. ठीक है, ये एक मिक्सचर बनेगा, आयरन फिलिंग्स है, सल्फर पाउडर है, मिक्स हो गया, ये केमिकली एक दूसरे के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रहा. अगर आपने आयरन फिलिंग्स ली उनको रख दिया, उनको मोल्टन स्टेट किया, उनको मेल्ट किया, हीट करा, आपने सल्फर पाउडर लिया उसको भी बीच में ही मेल्ट करना शुरू कर दिया, तो ये क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये एक मिक्सचर, ये आप में ही रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेंगे, एक अलग से कंपाउंड बना लेंगे. ठीक है, क्या बना लेंगे, अलग से कंपाउंड बना लेंगे. आयरन सल्फाइड इज फॉर्म्ड, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक न्यू कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज आयरन सल्फाइड. कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, यहां पे आयरन फिलिंग्स है, ठीक है, ये सल्फर पाउडर है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आयरन सल्फाइड बन जाएगा. इज फॉर्म्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर इज हीटेड स्ट्रॉन्गली. ओके, सीधा ये पूछा जा सकता है, क्या इसको ये करके मिक्सचर बनेगा, कंपाउंड बनेगा, नन ऑफ दीज या एलिमेंट बनेगा, तो व्हाट इज द आंसर, एक आपके पास न्यू कंपाउंड बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मोक एंड फॉग बोथ आर एरोसोल्स, इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट. जैसे मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कोलाइड्स का, मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि इस चीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. टाइप्स ऑफ कोलाइड्स का आपकी एनसीईआरटी में है एक चार्ट, जिसके बेसिस मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है. आपको ये पता होना चाहिए कौन सा डिस्पर्स्ड फेज है, कौन सा डिस्पर्जन मीडियम है, उसमें कौन से एरोसोल में कौन सा डिस्पर्स फेज है, कौन सा डिस्पर्जन मीडियम है, देन उसकी एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए. ओके, तो ये चीजों पे आप थोड़ा सा फोकस करो. ये चैप्टर काफी इजी है, 2-3 टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को अच्छे से पढ़ लो. दिस इज बोथ फॉग एंड स्मोक हैव गैस एज देयर डिस्पर्जन मीडियम. क्या है इनके पास, गैस है एज देयर डिस्पर्जन मीडियम. दोनों में किसमें, फॉग एंड स्मोक दोनों में क्या है, गैस इज द डिस्पर्जन मीडियम.
क्या है? गैस इज द डिस्पर्जन मीडियम. द ओनली डिफरेंस इज दैट डिस्पर्जन फेज जो इनमें फॉग इज लिक्विड, फॉग का डिस्पर्जन फेज क्या है? लिक्विड है. एंड स्मोक का डिस्पर्जन फेज क्या है? सॉलिड है. ठीक है. एंड स्मोक का डिस्पर्जन फेज क्या है? दैट इज योर सॉलिड. ठीक है. अभी आपको एक चीज बतानी है मुझे, यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी है इसके टाइप ऑफ कोलाइड को. टाइप ऑफ कोलाइड, टाइप ऑफ कोलाइड मतलब जैसे फॉग होता है, इमल्शन होती है, एरोसोल होती है, तो आपने बताना है. अरे इसमें तो खुद भी लिखा हुआ है, मैंने तो क्वेश्चन में ही मेंशन है. ठीक है, क्वेश्चन में ही मेंशन है. तो ये दोनों क्या है? एरोसोल्स हैं. ये दोनों क्या है? एरोसोल्स हैं. तो फॉग एंड स्मोक दोनों एरोसोल्स हैं. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आपने क्या डिफरेंस बताना है कि इसमें डिस्पर्जन फेज जो है दैट इज लिक्विड फॉग में होता है एंड स्मोक में सॉलिड होता है. इन दोनों को बोलते क्या है? एरोसोल बोलते हैं. एरो कहां से आया? गैस, गैस से आया. ठीक है. ये चीज आपको कैसे पता होगी? अगर आपको वो एक छोटा सा चार्ट आता होगा तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हो. आपके लिए बहुत ही ऐसे इजी सा काम हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बात नहीं है ये. ठीक है. अगर आपको वो चीज आती है, अगर आपको वो चार्ट नहीं पता है, तो आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस डील करने मुश्किल हो जाएंगे. और बहुत ही इजी सा चार्ट है, ट्रिक से याद हो जाएगा आपको. ठीक है, इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड व्हाइल इन केस ऑफ सस्पेंशन दे डू. ठीक है, इसमें पार्टिकल साइज की ही बात होगी. पार्टिकल साइज इन द सस्पेंशन इज लार्जर, जैसे मैंने आपको बताया था सस्पेंशन का पार्टिकल साइज कोलाइडल से भी ज्यादा होता है. मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन इन द सस्पेंशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए वो सेटल डाउन हो जाते हैं. सस्पेंडेड एंड हेंस दे सेटल डाउन, इसलिए वो सेटल डाउन हो जाते हैं. ओके, तो ये चीज समझ में आ गई. मैं आपको पहले भी बताया था क्या चीज होती है इसमें. सस्पेंशन का ज्यादा होता है पार्टिकल साइज, देन आता है कोलाइड, देन आता है आपके पास ट्रू सॉल्यूशन, देन आता है ट्रू सॉल्यूशन. ओके, ये चीज है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई कोलाइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशंस. अब ये चीज तो आपको खुद आंसर करनी पड़ेगी, साथ में अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो. उसमें टाइप्स ऑफ कोलाइड का चार्ट गिवन है, ऑरेंज एंड ब्लूइश कलर में है, तो वो आप ओपन करो. इसका आंसर साथ साथ में दो. ठीक है, इसका आंसर साथ साथ में दो. वैसे तो बिना चार्ट ओपन करे आपको आना चाहिए. फर्स्ट इज पॉन्ड वॉटर, पॉन्ड आइडेंटिफाई कोलाइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन. पहले तो इसमें आपको कोलाइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ट्रू सॉल्यूशन क्या है? इसमें विनेगर है, विनेगर एसिटिक एसिड. विनेगर क्या है? एसिटिक एसिड. एंड वॉटर का आपके पास क्या होता है? ये मिक्सचर होता है. आप इन दोनों को मिक्स कर लेते हो आपस में, तो आपके पास क्या बनता है? ट्रू सॉल्यूशन बनता है थ्रू आउट होमोजेनियसली. ये सिरका, इसको हम बोलते हैं थ्रू आउट होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली. ग्लूकोज सॉल्यूशन, अगर आप ग्लूकोज को पानी में डालते हो, वो भी एक ट्रू सॉल्यूशन होता है. बाकी कहता है यहाँ पे कोलाइड्स क्या आते हैं? कोलाइड्स आर फॉग, एल्यूमिनियम एंड पेंट. तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पेंट, एक मिनट, फॉग है आपके पास. दिस इज पॉन्ड वॉटर. पॉन्ड वॉटर विल बी अ काइंड ऑफ सस्पेंशन, बिकॉज पॉन्ड वॉटर में क्या होगी? बहुत सारी मिट्टी वगैरह भी होगी उसके बीच में, तो जो सेटल डाउन हो जाती है, राइट? तो यहाँ पे जो आपके पास आएंगे कोलाइड्स, दैट विल बी फॉग एंड एल्यूमिनियम पेंट. ठीक है, बेसिकली पेंट होता है. ठीक है, तो आपके पास फॉग एंड एल्यूमिनियम पेंट क्या आ जाएगा? आपके पास कोलाइड्स होंगे. और किस तरह के ये कोलाइड होंगे वो आपने मुझे बताना है. ठीक है, कौन से कोलाइड्स? फॉग, पहले तो आपने फॉग बताना है ये किस तरह का कोलाइड होगा. देन आपने बताना है इमल्शन क्या होती है. ठीक है, इमल्शन में कौन सा डिस्पर्स्ड फेज होता है, कौन सा डिस्पर्जन मीडियम होता है. दिस इज योर होमवर्क. कौन सा डिस्पर्जन मीडियम होता है इसमें, कौन सा डिस्पर्जन मीडियम होता है, कौन सा डिस्पर्जन फेज होता है. ठीक है, और इसकी आपने मेरे को बतानी है एग्जांपल्स. ये तो मैं आपको फॉग के बारे में तो एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ. इसके बारे में तो हमने देख ही लिया कि इट्स अ काइंड ऑफ एरोसोल, इसमें गैस एंड लिक्विड होते हैं. यहाँ पे आपने बताना है इमल्शन में क्या चीज होती है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, डिस्पर्जन फेज क्या है. ओके, सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट योर टॉप 10 क्वेश्चंस. Subjective questions, again I am telling you, यहाँ पे important questions, important topics कहाँ से बनते हैं? एक तो आपको
टाइप्स ऑफ कोलाइड्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको तीनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स के बीच में डिफरेंस क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए. ओके, तो थोड़ा बहुत आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. तो ये चैप्टर आपका इजिली कवर हो जाएगा. कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे एनसीईआरटी से आ जाए, चाहे खुद से कोई टीचर अपना क्वेश्चन बना के आपको डाल दे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजिली इसको क्रैक कर लोगे. सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच, एंड कमेंट डाउन कौन कौन से टॉपिक्स आपको मुश्किल लग रहे हैं उस पर, ताकि मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आऊँ जो आपको ईजी लगे एंड आप एग्जाम में ईजिली उसको क्रैक कर पाओ. थैंक यू सो मच.